कुक विथ हवा चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही इजी है और स्नैक्स में ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज हम गार्लिक ब्रेड की रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है और अब इस कटोरी के अंदर 75 ग्राम बटर लेंगे, ये सोल्टेड बटर है। तो अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं, तो इससे ये गार्लिक ब्रेड बहुत ही अच्छी बनेगी। और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने ओरिगेनो लिए हैं, जो सीजनिंग आती है वो है ये। और अब हम 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लेंगे और वो इस तरह से क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से क्रश करने से ही गार्लिक ब्रेड में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बटर और गार्लिक बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हाथ से इन सबको क्रश कर लिया है। और अब इस क्रश किए हुए लहसुन को इस मसाले और बटर के अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। ये धनिया से भी गार्लिक ब्रेड का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और दिखने में बहुत ही अच्छी दिखती है। और अब स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा सा कम ही ऐड करना है क्योंकि बटर के अंदर ऑलरेडी नमक है। और अब इस मिक्सर को अच्छे से चम्मच से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा बटर। और अब यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है, तो आप यहाँ पर कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड। तो एक ब्रेड की स्लाइस के ऊपर इस तरह से मैंने चीज़ ऐड कर दिया है। आपके पास चीज़ ना हो तो बिना चीज़ के भी बना सकते हैं, लेकिन चीज़ से ये थोड़े अच्छे बनते हैं। और अब इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा ओरिगेनो डालेंगे, तो इससे ये थोड़ा सा और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। और इस तरह से दूसरी ब्रेड की स्लाइस भी इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर देंगे। और अब इसके ऊपर बटर और गार्लिक का जो पेस्ट तैयार किया था वो अच्छे से लगा देंगे। और यहाँ पर पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है। और अब इसको तवे के ऊपर फ्लिप कर देंगे, जिससे इस गार्लिक ब्रेड का स्वाद है जो बहुत ही अच्छा आएगा। तो और इस तरह से गरम तवे के ऊपर इसको एक साइड से सिकने के लिए रख दिया है और दूसरे साइड से भी बटर का मिक्सर है वो लगा देंगे और इसको अच्छे से पलट देंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड से ब्रेड अच्छे से सिक गई है और इसी तरह से दूसरी ब्रेड भी अच्छे से सेक ली है। तो यहाँ पर गार्लिक ब्रेड बनकर अच्छे से तैयार हो गई है। और अब इसको अच्छे से सर्विंग के लिए बीच में से काट कर एक प्लेट के अंदर सर्विंग के लिए रख देंगे। और बीच में हम सॉस रख सकते हैं और इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं या इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो ये गार्लिक ब्रेड की बहुत ही आसान रेसिपी है और बनने में इसमें 10 मिनट लगते हैं। तो अचानक कोई मेहमान आ जाए तो इस तरह से आप भी ये स्नैक्स तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चों को भी ये दे सकते हैं, हेल्दी होता है। तो यहाँ पर प्लेटिंग अच्छे से लगा कर तैयार कर ली है। तो आज की गार्लिक ब्रेड की रेसिपी आपको कैसी लगी? वीडियो हेल्पफुल रहा हो और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे बहुत ही एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।